जेई में 2020 में 8 जनवरी 2020 के शिफ्ट वन का यानी मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है, बायोमोलिक्यूल का एक क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले कभी नहीं आया इस तरह का क्वेश्चन, लेकिन ये सीधा एनसीईआरटी से है, बायोमोलिक्यूल्स वाले चैप्टर से। विच आर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज नॉट ट्रू फॉर ग्लूकोज, ग्लूकोज के लिए कौन से स्टेटमेंट, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से ट्रू नहीं है। पहला स्टेटमेंट है द पेंटाएसीटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू गिव ऑक्साइम, ये ट्रू है और ये हमारा आंसर नहीं होगा। दूसरा स्टेटमेंट है ग्लूकोज गिव्स शिफ्ट टेस्ट फॉर एल्डिहाइड्स, ये गलत है और यही हमारा आंसर है। और तीसरा स्टेटमेंट है ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा, ये भी सही है, सॉलिड स्टेट में ग्लूकोज अल्फा और बीटा फॉर्म्स में रहता है जो एक दूसरे के एनोमर्स भी हैं। और आखिरी स्टेटमेंट है ग्लूकोज रिएक्ट्स विद हाइड्रोक्सिल एमीन टू फॉर्म ऑक्साइन, ये भी सही है, ठीक है ना, ये सही है और ये हमारा आंसर नहीं है। तो हमारा आंसर एक्चुअली टू हो चुका है, शिफ्ट रिएजेंट के साथ ग्लूकोज टेस्ट नहीं देता, ये हमारा आंसर हो चुका है। लेकिन जरा जानते हैं, देखो इसमें एक स्टेटमेंट ये है कि ग्लूकोज एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म्स अल्फा एंड बीटा, इसके अलावा इसमें दो रिएजेंट्स की बात की गई है, एक शिफ्ट रिएजेंट की और एक हाइड्रोक्सिलेमीन की। हाइड्रोक्सिलेमीन ग्लूकोज पेंटाएसीटेट के साथ रिएक्शन नहीं करता लेकिन ग्लूकोज के साथ रिएक्शन करता, ये सच है, इसके बारे में बात करते हैं। एक्चुअली हाइड्रोक्सिलेमीन और शिफ्ट रिएजेंट ये दोनों ही वीक रिएजेंट्स हैं, ठीक है ना। तो पहले तो मैं बता दूं कि ग्लूकोज के दो फॉर्म्स होते हैं, अगर मैं इस ग्लूकोज को ऐसे बनाता, ऐसे 3D में ऐसे हैवर्थ स्ट्रक्चर्स की बना दूं, तो आप देखेंगे, ठीक है ना, कि कार्बन नंबर 2 पर OH नीचे, कार्बन नंबर 3 का OH ऊपर, कार्बन नंबर 4 पर OH नीचे और कार्बन नंबर 5 पर CH2OH है जो कि ऊपर है, बाकी खाली जगहों को आप हाइड्रोजन से भर दें। ये 1, 2, 3, 4, 5 और ये कार्बन नंबर 6 है, ये हैवर्थ की बेसिक स्ट्रक्चर है। अब अगर कार्बन नंबर 1 पर OH नीचे आ जाए और H ऊपर आ जाए तो इसको बोलते हैं अल्फा डी प्लस ग्लूकोज, ठीक है ना। और अगर इसी हैवर्थ स्ट्रक्चर में कार्बन नंबर 1 पर OH ऊपर आ जाए, बाकी तो सब कांस्टेंट रहता है, ठीक है ना, अगर मैं इसको 3D में ऐसे बनाने की कोशिश करूं और कार्बन नंबर 1, 2, 3, 4 और 5, तो 2 पर OH नीचे, 3 पर OH ऊपर, 4 पर OH नीचे और 5 पर OH नहीं होता बल्कि CH2OH है जो कि कार्बन नंबर 6 है और बाकी जो जगहें हैं उनको हाइड्रोजन से भर दें। तो यहाँ कार्बन नंबर 1 पर अगर OH ऊपर आ जाए तो ये बीटा डी प्लस ग्लूकोज कहलाता है, ठीक है ना, एक अल्फा डी प्लस ग्लूकोज है और एक बीटा डी प्लस ग्लूकोज है। सॉलिड स्टेट में ग्लूकोज इन्हीं दो फॉर्म्स में रहता है, बीटा थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होता है और ज़्यादा परसेंटेज में पाया जाता है क्योंकि बीटा में कार्बन नंबर 1 का जो OH है वो इक्विटोरियल पर है और वो थोड़ा सा इसमें एक्सियल पर है जिसकी वजह से डाई एक्सियल रिपल्शन होता है, इसमें चेयर फॉर्म में अगर आप देखेंगे तो मैं बता रहा हूँ कि स्टेटमेंट 3 तो सही है क्योंकि अल्फा और बीटा फॉर्म्स में पाया जाता है और ये दोनों फॉर्म्स एक दूसरे के एनोमर्स होते हैं क्योंकि एनोमर्स वो होते हैं जिनमें एनोमेरिक कार्बन पर डिफरेंस होता है कॉन्फ़िगरेशन में, दो कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें कॉन्फ़िगरेशन में डिफरेंस हो केवल एनोमेरिक कार्बन पर। एनोमेरिक कार्बन क्या होता है, वो कार्बन जो इनका मेन फंक्शनल ग्रुप का कार्बन है, ठीक है। तो अगर केवल एनोमेरिक कार्बन पर डिफरेंस है कॉन्फ़िगरेशन में तो हम इनको कहते हैं एनोमर्स और ये अल्फा बीटा फॉर्म्स में होते हैं, ग्लूकोज सॉलिड स्टेट में अल्फा बीटा फॉर्म्स में पाया जाता है, लेकिन अगर आप पानी में डालें तो ये ओपन चेन में बदलता है, ओपन होता है, क्लोज होता है और एक तरह से इक्विलिब्रियम मेंटेन कर लेता है अल्फा और बीटा के बीच में थ्रू ओपन चेन ग्लूकोज। तो स्टेटमेंट 3 तो ट्रू है और ये हमारा आंसर नहीं है क्योंकि हमें क्वेश्चन में पूछा गया कि नॉट ट्रू कौन सा होगा, ठीक है ना। अब अगर आप इसमें से किसी एक को पेंटाएसीटेट बना दें, अच्छा ये जो है ना हाइड्रोक्सिलेमीन से तो रिएक्शन कर लेगा, हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन कर लेगा क्योंकि हाइड्रोक्सिलेमीन वीक तो है लेकिन ग्लूकोज की रिंग को तोड़ देता है। जब ये ग्लूकोज की रिंग को तोड़ेगा तो क्या बनाएगा भाई, रिंग को तोड़ेगा तो ओपन चेन में ये क्या बनाएगा, OH, OH, OH और OH। ओपन चेन होने पर डी प्लस ग्लूकोज जो होता है उसमें पहला सेकेंड नंबर कार्बन का OH राइट में, फिर लेफ्ट में, फिर राइट, 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 लेफ्ट, राइट, राइट, ठीक है ना।
ये एक पेंटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है ग्लूकोज एक्चुअली, और इसकी हाइड्रोक्सिल एमीन से रिएक्शन करवाओगे तो H2O निकाल कर ये बना लेगा ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज, ठीक है ना, OH और इधर लेफ्ट में OH, ये ऑक्साइम ऑफ ग्लूकोज बन जाएगा। और इस ये रिएक्शन इस बात का सबूत भी है कि ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है। तो NH2OH इज सफिशियंट टू ब्रेक द रिंग ऑफ व्हाट यू कॉल ग्लूकोज टू फॉर्म ऑक्साइन। लेकिन अगर आप इसकी रिएक्शन आप एसिटिक एनहाइड्राइड से करवा दें, एक्सेस में करवा दें, तो पहले तो सारे के सारे जो OH ग्रुप्स हैं वो OAC में बदल जाएंगे, पेंटा एसीटेट बन जाएगा। इसमें देखो जहां OH था वहां OAC बन गया, जहां OH था वहां OAC बन गया। ये पेंटा एसीटेट का बनना इस बात का इंडिकेशन है, पेंटा एसीटेट का बनना इस बात का इंडिकेशन है कि ग्लूकोज में पांच OH ग्रुप्स हैं। अब इस रिंग को NH2OH तोड़ नहीं पाता है, NH2OH इस रिंग को तोड़ नहीं पाता है, तो इसमें आगे रिएक्शन नहीं होती। मैं आपको बता दूं, NH2OH ग्लूकोज की हैवार्थ रिंग को तोड़कर और ऑक्साइम बना लेता है, इसका नाम है ग्लूकोज ऑक्साइम, ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड ग्लूकोज ऑक्साइम। लेकिन अगर आप इस ग्लूकोज के सारे OH को एसीटेट में बदल दें, एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन करवा के और पेंटा एसीटेट बनवा लें, तो इस पेंटा एसीटेट की स्ट्रक्चर को NH2OH तोड़ नहीं पाता क्योंकि वीक है, इसलिए इसमें रिएक्शन नहीं होती। पेंटा एसीटेट का बनना इस बात का इंडिकेशन है कि ग्लूकोज जो है वो पांच OH रखता है, और पेंटा एसीटेट के बनने के बाद NH2OH से रिएक्शन ना होना इस बात का इंडिकेशन है कि ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में रहता है और उसका जो CHO ग्रुप है वो हमेशा अवेलेबल नहीं होता रिएक्शन के लिए। अगर कोई रिएजेंट इतना स्ट्रांग हो जो इसको तोड़ सके तो अवेलेबल हो जाता है। तो स्टेटमेंट वन और स्टेटमेंट फोर में यही NH2OH का ही जिक्र है। स्टेटमेंट वन में उन्होंने कहा कि पेंटा एसीटेट जो है वो हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन नहीं करता, ट्रू, और ट्रू है तो वो हमारा आंसर नहीं है। और स्टेटमेंट फोर में उन्होंने कहा कि ग्लूकोज हाइड्रोक्सिलेमीन से रिएक्शन करके ग्लूकोज ऑक्साइम बनाता है, ये भी ट्रू है और ये भी हमारा आंसर नहीं है। अब हम देखते हैं, और स्टेटमेंट थ्री में उन्होंने अल्फा बीटा का जिक्र किया हुआ है। अब हम देखते हैं स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू में उन्होंने क्या कहा। उन्होंने कहा कि शिफ रिएजेंट के साथ रिएक्शन करवाएंगे। डॉक्टर ह्यूगो शिफ नाम के एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनके नाम पर ये रिएजेंट बनाया गया है, ठीक है ना। इस रिएजेंट में आप देखें NCERT में लिखा हुआ कि ग्लूकोज सिर्फ रिएजेंट के साथ टेस्ट नहीं देता, ये एल्डिहाइड का टेस्ट है। ग्लूकोज में एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है ओपन चेन में, लेकिन क्योंकि ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में रहता है और सिर्फ रिएजेंट जो है वो स्ट्रांग नहीं है तो वो रिंग को तोड़ नहीं पाता। तो ये जो है ना ये एक डाई है, ये एक कलर है, फ्यूशन डाई भी बोलते हैं इसको, और ये कलर्ड डाई होता है। इसमें हम डाल देते हैं H2SO3 सल्फ्यूरस एसिड। जब सल्फ्यूरस एसिड के साथ इसको हम सेचुरेट कर देते हैं, जब ये है कलर्ड शिफ्स रिएजेंट। अच्छा, शिफ्स बेस अलग होता है, ठीक है ना, उससे आप इसको कन्फ्यूज ना करें। जब इसको हम सल्फ्यूरस एसिड डाल देते हैं तब ये बन जाता है इस तरह से, यहाँ पे इस तरह से प्लस चार्ज और HCl के साथ डला हुआ है ये, ठीक है ना, रोजालिनिल भी बोलते हैं इसको। तब ये बन जाता है इस तरह से एक सल्फ्यूरस एसिड के साथ सेचुरेटेड SO2H इस तरह से, और अब ये हो जाता है कलरलेस, अब ये हो जाता है कलरलेस, ठीक है ना, दिस इज कलरलेस सिफ, ठीक है ना। अब इसमें जब हम एल्डिहाइड डालते हैं, एल्डिहाइड के दो इक्विवेलेंट डालने पड़ते हैं, एल्डिहाइड के दो इक्विवेलेंट लेने पड़ते हैं, दो इक्विवेलेंट, तो ये एल्डिहाइड के साथ वापस से अपना कलर रिस्टोर कर लेता है, पिंक या रेड कलर बिल्कुल चटक, ठीक है ना। NH2+ Cl- है ये, और ये बन गया ऐसे, ये जो एनिलीन वाला जो रिंग था ना पैरा पोजिशन से जिसपे NH2 लगा हुआ था, यहाँ पर SO2H था ना, ये SO2 के साथ अब ये कार्बन कनेक्ट हो गया, ठीक है ना, तो CrCHOH। इसी तरीके से यहाँ पे भी एनिलीन वाली जो रिंग है उसमें NH SO2
सी एच, एक तरफ आर, एक तरफ ओ एच. अब ये वापस से कलर हो गया पिंक या रेड कलर, इसमें रीस्टोर हो गया. ठीक है ना, ठीक है ना. तो शिफ्ट टेस्ट क्या है कि हम पहले शिफ्ट रिएजेंट को H2SO3 के साथ सल्फ्यूरस एसिड के साथ सेचुरेट करके कलरलेस कर देते हैं, फिर जब उसमें एल्डिहाइड डालते हैं तो कलर रीस्टोर हो जाता है. तो इस तरह से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा जो कंपाउंड है उसमें एल्डिहाइडिक ग्रुप है या नहीं है. ग्लूकोज में भी एल्डिहाइडिक ग्रुप होता है, लेकिन क्योंकि ग्लूकोज साइक्लिक फॉर्म में होता है और अगर कोई रिएजेंट इतना स्ट्रांग हो कि इसको साइक्लिक से तोड़कर ओपन चेन बना ले तो एल्डिहाइडिक ग्रुप जो है वो अवेलेबल हो जाता है. बट शिफ्ट रिएजेंट इज नॉट स्ट्रांग एनफ टू कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू इट्स ओपन चेन, एंड दैट्स व्हाई ग्लूकोज डजंट गिव शिफ्ट टेस्ट ऑफ एल्डिहाइड्स. ठीक है ना. तो ग्लूकोज एल्डिहाइड का शिफ्ट टेस्ट नहीं देता है, ये ट्रू स्टेटमेंट है. लेकिन स्टेटमेंट टू में, क्वेश्चन में इन्होंने क्या लिखा है कि ग्लूकोज शिफ्ट रिएजेंट के साथ एल्डिहाइड का टेस्ट देता है, वो गलत है. और कौन सा स्टेटमेंट इनमें से गलत है, यही हमारा आंसर है. तो इस हिसाब से हमारे क्वेश्चन का आंसर होना चाहिए टू. प्लीज नोट.